पिछले 4 दशकों में बियर जंगलों में घूम घूम कर हमने देश में लुप्त हो रहे जानवरों पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं, पर हमारी हमेशा एक तमन्ना रही है आसमान से जंगलों के फिल्मांकन की। इसके लिए हमने चुना हॉट एयर बलून का रोमांचक और जोखिम भरा अभियान। आइए आप भी हमारे साथ इन अनोखे अभियानों पर। सिंह जंगल का राजा, लेकिन ये अफ्रीकी नहीं बल्कि ये हैं भारतीय, गुजरात की शान। आज हम निकले हैं इनके साम्राज्य के ऊपर अपना हॉट एयर बलून उड़ाने के लिए, ताकि इन्हें देख सकें एक नए नजरिए से। एशियाई या भारतीय सिंह 18वीं सदी तक देश के कई राज्यों में मिलते थे। 1834 में तो ये भारत की राजधानी दिल्ली के पास ही मारा गया था, लेकिन अंधाधुंध शिकार से इनका खात्मा होता गया और फिर ये गुजरात में ही सिमट कर रह गए। पूरे विश्व में सांसण गिर एशियाई सिंह का आखिरी आश्रय बचा है। गुब्बारे में उड़ने से पहले हमें अपने पायलट बिल के साथ ये तय करना है कि हमें कहां से अपनी उड़ान भरनी चाहिए। What we do to go across this way is to go back halfway down the track. हमें हवा कहां ले जाएगी? क्या हम एक सुरक्षित जगह पर उतर पाएंगे? इसके लिए हमने हीलियम गैस से भरा एक छोटा सा गुब्बारा उड़ाया, जिससे हमें ये पता चला कि हवा का रुख उत्तर पश्चिमी दिशा में है। हमने ये अनुमान लगाया कि अगर हम यहां से उड़ान भरते हैं तो गिर वन में बढ़िया दृश्य देखते हुए दूसरी ओर निकल जाएंगे। हवा की दिशा और गति अनुकूल है, पास ही में एक समतल खेत भी। बस फिर क्या था, हम उड़ान की तैयारी में जुट गए। ये जरूरी था कि हम जल्दी से जल्दी हवाई सफर शुरू करें, क्योंकि सूरज के चढ़ते हवा हल्की होती जाती है और जमीन का तापमान भी बढ़ता जाता है। यहां के लोगों के लिए ये बिल्कुल नायाब चीज है। गुब्बारे को फुलाने के लिए हमने उसमें ठंडी हवा भरनी शुरू की। तकरीबन 15 मिनट में 150,000 क्यूबिक फीट वाला विशालकाय गुब्बारा पूरी तरह फूल गया। फिर इसे ऊपर उठाने के लिए हवा को गर्म करना शुरू किया, लेकिन ये क्या, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? पायलट बिल कुछ परेशान लग रहे हैं। ऊपर में कोई रस्सी जो है अटक गई है, वो रिस्क नहीं ले सकते उस तरीके से जंगल में जाने का। चलो उधर से हट जाओ, आगे नीचे आ रहा। आज की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। पायलट ने बलून को नीचे गिराना शुरू किया। दरअसल बलून की रस्सियां आपस में बुरी तरह उलझ गई हैं,
और ऐसी हालत में उड़ान भरना जोखिम भरा हो सकता है। चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। हमें सब कुछ बहुत फुर्ती से करना है क्योंकि उड़ान का कीमती समय निकला जा रहा है। कैप्टन बिल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस बार कोई कमी न रह जाए। हमें डर है कि अगर हम किसी वजह से आज उड़ान नहीं भर पाए तो शायद ऐसा मौका दोबारा न मिले, क्योंकि बलून टीम को अगले दिन वापस भी लौटना है। दोनों बर्नर दरअसल गुब्बारे के इंजन जैसे हैं, जिनसे आग की करीब 20 फुट ऊंची लपटें निकलती हैं, जो गुब्बारे की हवा को गर्म करके हल्का कर देती हैं। गुब्बारा अब उड़ने के लिए तैयार है। इस तरह शुरू हुआ हमारा बब्बर शेरों के साम्राज्य पर उड़ने का रोमांचक सफर। जमीन से करीब 400-500 फुट की ऊंचाई पर पहुंचते ही नजर आए गीर वन की सीमा से जुड़े मीलों दूर तक फैले हरे भरे खेत। गीर का जंगल भी अफ्रीका के जंगल की तरह विशाल और खुश्क है। जंगल के जानवरों के लिए हमारा हॉट एयर बलून एक अनोखी चीज है। चीतलों ने तो इसे देखकर अलार्म कॉल्स भी देनी शुरू कर दी। सांसण गीर सैंक्चुरी के भीतर 14 गांव और मालधारियों के 54 डेरे हैं, जिसके कारण सिंहों और इंसानों के बीच आए दिन झड़पें होती रहती हैं। मालधारी लोग मवेशी पालते हैं और दूध घी बेचकर गुजारा करते हैं। गीर वन तथा सिंहों के साथ इनका संबंध बहुत पुराना है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक सिंहों की खुराक का 36% हिस्सा मवेशी बनते हैं, क्योंकि सिंहों के लिए चौकन्ने और तेज रफ्तार वाले जंगली जीवों के मुकाबले मवेशियों को मारना आसान होता है। इन सब कठिनाइयों के बीच मालधारियों के करीब 350 परिवार जंगल नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनके मवेशियों के चरने के लिए जंगल में सब सुविधाएं हैं। गीर का इलाका ऊबड़ खाबड़ है। ज्वालामुखीय मूल की कई पहाड़ियां हैं। यहां कई नदी नाले बहते हैं। इसके ज्यादातर इलाके में सागवान, झाड़ीदार खुला जंगल व घास के मैदान है। यहां पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की खासी विविधता है। लायन ने देखा होगा ये क्या घूम रहा, दूसरा शेर कैसे आ गया। अक्टूबर 1965 में गुजरात सरकार ने सांसण गीर के 1265 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया था। ये सारा इलाका पहले जूनागढ़ रियासत का हिस्सा था। कहा जाता है कि जूनागढ़ के नवाब अफ्रीका मूल के कुछ लोगों को सिंहों और गीर वन की देखभाल के लिए लाए थे। ये सिद्धि लोग आज भी सांसण गीर के आसपास बसे हैं। जूनागढ़ एक समृद्ध रियासत थी। इसकी पुरानी इमारतों का वास्तुशिल्प देखते ही बनता है। यहां के नवाब अपने खास मेहमानों को शिकार की दावत दिया करते थे।
सिंहों का शिकार करना बेहद फख्र की बात मानी जाती थी और नर सिंहों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता था। शिकार के चलते हालात इतने बदतर हो गए थे कि 20वीं सदी की शुरुआत में इनकी तादाद सिर्फ 20 रह गई। तभी नवाब ने अपनी रियासत में इनके शिकार पर रोक लगा दी और सिंहों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए। शायद सिंहों की बढ़ती संख्या के लिए गीर वन के जंगल कम पड़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि सिंहों की 4-5 टोलियां तो गीर वन के बाहर गिरनार, मिटियाला और तटीय वनों में रहने लगी हैं। हमें उड़ते हुए करीब 1 घंटा होने को है। अब हमें नीचे उतरने के लिए एक खुली और समतल जगह की तलाश है जो सड़क के पास भी हो, ताकि हमारी सपोर्ट टीम वहां पहुंच सके। सड़क, सड़क, सड़क कितनी दूर है? सड़क कितनी दूर? कितना किलोमीटर? अभी गए, इस क्लोज। बहुत फास्ट है। हवा तेज हो चली है। हम पेड़ों को छूते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बास्केट को जमीन से टकराकर बलून को रोकना होगा, क्योंकि इसमें ब्रेक तो होते नहीं। अगर हवा तेज है तो झटका भी जोरदार हो सकता है। दूर एक खाली खेत नजर आया। हमने कैमरे नीचे रख दिए और झुककर बास्केट को कसकर पकड़ लिया। ऐसा ना करते तो खतरा है कि लैंडिंग के झटके से हम और हमारे कैमरे बास्केट से बाहर जा गिरते। और देखते ही देखते हमारी बास्केट जमीन पर जोर से टकराई और रगड़ खाने लगी। शुक्र है कि हम अपने सामान के साथ सही सलामत उतर गए। आज की लैंडिंग जो है थोड़ा झटकेदार तो थी, लेकिन अच्छी थी बहुत। उतरते ही हमें गांव वालों ने घेर लिया। कोई हमारी मदद करना चाहता है तो कोई हमें जासूस समझ रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। हमें लैंड किए 1/2 घंटा हो चुका है। सपोर्ट टीम से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। नहीं, पहले नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। अच्छा अच्छा। ये बढ़िया नहीं हो भाई। आप लोग की वजह से ये सिंह बचा है। आप लोग यदि इसको नहीं बचाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों का सबका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि सिंह को कोई मारे नहीं। वो तो यहाँ पे था, वो था नहीं। और हमको तो अपने लिए जगह चाहिए। हमारी शान है वो तो। है? हम उसको मारते नहीं, वो तो हमारी शान है। गुजरात की शान, हिंदुस्तान की शान। हमें लोगों ने बताया कि बीती रात 2 सिंह इन्हीं खेतों में घूम रहे थे। हमारी सपोर्ट टीम किसी तरह पूछते पूछाते हम तक पहुंच ही गई। अगली सुबह हम निकल पड़े गीर वन के सिंहों की खोज में। गीर का जंगल बहुत खुला खुला है, इसलिए हम आसानी से दूर दूर तक देख सकते हैं। हम एकदम चौकन्ने हैं, क्योंकि बब्बर शेर से हमारा सामना कहीं भी हो सकता है। अचानक हमें सिंह के पंजों के निशान नजर आए, जो हमारी गाड़ी से उल्टी दिशा में जा रहे हैं, यानी सिंह कहीं आसपास ही होंगे। हमारा अनुमान सही निकला। जरा सी दूर चलते ही एक नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार हमें आराम करता मिला।
सिंह सुबह और शाम अधिक सक्रिय रहते हैं, लेकिन इस समय क्योंकि सूरज ऊपर चढ़ चुका है ये आराम कर रहे हैं। इस सिंह परिवार में मां के साथ तीन शावक भी हैं। गीर वन दुनिया की ऐसी अकेली जगह है जहां इन्हें इंसानों की मौजूदगी की इतनी आदत पड़ चुकी है कि आप जमीन पर खड़े होकर इन्हें नजदीक से देख सकते हैं। राजेश अपने लंबे तजुर्बे के कारण इनका स्वभाव या मिजाज अच्छी तरह समझते हैं, पर आप ऐसा जोखिम हरगिज ना उठाएं। आसपास ही हमें नजर आए सियार, जो शायद सिंह के बचे खुचे शिकार की तलाश में हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें बरगद के नीचे एक बड़ा नर आराम करता नजर आया। भारतीय सिंह या बब्बर शेर अफ्रीकी सिंह के मुकाबले आकार में छोटा होता है। इसकी आयाल यानी गर्दन के आसपास मौजूद बाल भी कम होते हैं। इसकी कोहनियों पर बालों का गुच्छा होता है। सिंह भयंकर गर्मी को भी सह लेते हैं। इन्होंने खुद को इस सूखे जंगल के मुताबिक बखूबी ढाल रखा है। गीर वन बेहद गर्मी वाला खुश्क इलाका है और गर्मियों का मौसम आते आते छोटे मोटे जल स्रोत सूख जाते हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है। वन विभाग ने जंगल में अलग अलग जगहों पर करीब 300 जलकुंड बना रखे हैं, जिनमें गर्मियों के मौसम में लगातार पानी उपलब्ध कराते रहना इनके लिए एक खासी बड़ी चुनौती है। पानी जीवन रेखा है और इस वन में जहां कहीं भी पानी है वहां जीवन का कोलाहल है। यहां पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियां हैं जो स्थायी रूप से यहीं रहती हैं, जैसे बुलबुल, व्हाइट आई, किंगफिशर, लाल सिर वाला तोता टुइया। दोपहर ढलते ही इस नर नील गाय ने पानी की तरफ रुख कर लिया। सिंह इनका भी शिकार कर लेते हैं। गीर में चीतलों की संख्या सबसे ज्यादा है और सिंहों का ये पसंदीदा शिकार है। ये हमेशा चौकन्ने रहते हैं, कुछ पता नहीं मुसीबत कब और कहां से आ जाए। आखिर सिंहों का एक परिवार आ ही धमका। हिरण खिसक लेते हैं। सिंह समूह भरपूर पानी पीने लगता है, पता नहीं अगली बार पानी कब और कहां मिले। इस समूह में दो शावक और दो सिंहनियां हैं, एक बड़ी उम्र की और दूसरी युवा। दोनों शावक बड़ी मादा के हैं, किंतु युवा मादा इन्हें अपने बच्चों जैसा ही समझती है। दोनों मिलजुल कर शिकार करती हैं और इन बच्चों की परवरिश कर रही हैं। ये बेफिक्र बच्चे खेल खेल में जंगल में जीने की कला सीख रहे हैं। ये नरशावक कुछ ज्यादा ही उत्सुक है। गीर वन में हर साल करीब 1,00,000 टूरिस्ट आते हैं। सुबह शाम सैलानियों का रेला जीपों में सवार होकर जंगल में आ धमकता है। यही समय सिंहों के शिकार का होता है। सिंहनी को शायद इनका आना पसंद नहीं आया, वो गुस्सा जताती है, लेकिन इन टूरिस्टों को इससे क्या,
उन्हें तो सिंहों के दर्शन और उनकी तस्वीरें चाहिए। वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सैलानी सिंहों के निजी जीवन में कोई दखल अंदाजी न करें। आखिरकार वो इस शोरगुल से दूर जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाने लगती है। सिंहनी को उसके बच्चों के साथ छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं कि शायद कोई और दिलचस्प दृश्य नजर आए। और जैसे ऊपर वाले ने हमारे मन की बात जान ली हो, हमें रास्ते पर ही सिंहों का एक और समूह शिकार की टोह में जाता दिखाई पड़ा। सिंहनी पेड़ों की ओट में चीतलों के झुंड की तरफ सावधानी से बढ़ रही है। जंगल के पेड़ पौधों में इसका रंग घुल मिल सा गया है। गीर के सिंह घात लगाकर अपने शिकार पर हमला करते हैं, जबकि अफ्रीकी सिंह खुले मैदानों में भी पीछा करके शिकार को दबोच लेते हैं। चीतलों को शायद सिंहनी की भनक मिल गई। सिंह समूह शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। चीतल की आवाज बंद हो गई। हाँ, बंद हो गई। खाना शुरू कर दिया। सांबर भी इधर उधर हो गए। बंदर भी चुप हो गए। हाँ, वो सब चुप हो गए। थोड़ा मूवमेंट आ गया। ऐसा लगता है अंदर अंदर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है। नहीं, गाइड से बात करने के बाद हमें लगा कि ये सिंह जिस दिशा में जा रहे हैं उसके हिसाब से हम उन्हें आगे पकड़ सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। भूखी सिंहनिया अब भी शिकार की तलाश में है। हमारी मौजूदगी की उन्हें कोई परवाह ही न थी। लुप्त होने की कगार पर खड़े गीर वन के सिंहों को बचाने के लिए गुजरात सरकार के प्रयास सराहनीय हैं, पर आवश्यकता है इन प्रयासों में तेजी लाने की और इन्हें जल्द नए इलाकों में बसाने की। गीर के सिंह केवल गुजरात के नहीं, केवल भारत के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के गौरव हैं। ये सिंहनिया शिकार की तलाश में आगे ही आगे जंगल में बढ़ती जा रही हैं। दिन ढलने को है और हमें अब लौटना है। मालधारी भी अपने मवेशियों को डेरों की तरफ हांक रहे हैं। हम सिद्धियों के गांव सिरवान से गुजर रहे हैं। यहां जश्न का माहौल है। अफ्रीकी मूल के ये लोग आज भी वन विभाग के साथ मिलकर सिंहों और गीर वन की देखभाल में जुटे हैं। तैयार रहिए अगले हफ्ते बेदी बंधुओं के साथ एक और दिलचस्प सफर के लिए।